ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस वहां उनकी पोजीशन को लेकर लगातार उन पर हमलावर रही है। अब एक बार फिर सिंधिया का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे लेकर कांग्रेस उन पर चुटकियां ले रही है। दरअसल एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, जिसके फोटो वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सिंधिया कतार में बैठे हैं और वहां से उठकर पीछे की कतार में चले जाते हैं। कांग्रेस इसी को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा, उसूलों पर अगर आज आए तो टकराना जरूरी है, इतना पीछे बैठाए तो उठकर चले जाना जरूरी है। केरल के कुल्लम जिले में 17 जुलाई को मार्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नीट परीक्षा से पहले जांच के नाम पर लड़कियों के इनरवियर उतरवाए गए थे। इनमें से एक छात्रा के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी। उधर आज केरल और राज्य के बाहर प्रदर्शन होने के आसार हैं। जिन छात्राओं को इस भयावह अनुभव से गुजरना पड़ा, उनमें से एक छात्रा ने न्यूज एजेंसी से अपनी पीड़ा शेयर की। छात्रा ने कहा, 3 घंटे तक परीक्षा लिखते समय हम घबराए हुए थे, हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी, हमारे इनरवियर उतरवा लिए गए थे, हमारे पास दुपट्टा नहीं था और हम लड़कों के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे, हमें अपने बालों से खुद को ढकना पड़ा, यह सब बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सिंगर मूसेवाला के मर्डर में 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने बुधवार को अमृतसर में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर करीब 5 घंटे तक एनकाउंटर चला। सूत्रों ने बताया कि मरने वाले गैंगस्टर्स के नाम जगरूप रूपा और मनप्रीत मनू हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ADGP प्रमोद बान ने बताया कि हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। उन्होंने कहा कि जगरूप रूपा और मनप्रीत मनू कुस्सा को मार गिराया गया है। मौके से एक AK-47 और पिस्टल बरामद हुई है। इस ऑपरेशन में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बिजनेसमैन ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर परिवार समेत कार को आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक 58 साल के रामराज भट्ट ने मंगलवार को इस घटना को अंजाम दिया। इसके लिए बिजनेसमैन ने परिवार को खाना खाने के लिए बाहर चलने को कहा। बाद में बीच सड़क कार रोक दी और पत्नी बेटे और खुद पर पेट्रोल छिड़क आग लगा ली। हादसे में बिजनेसमैन की मौत हो गई जबकि पत्नी और बेटे ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दोनों आग से बुरी तरह झुलस गए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार 15 जुलाई से जारी लगातार बढ़त का सिलसिला 4थे कारोबारी दिन बुधवार को जारी रहा। सेंसेक्स 629 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,397 पर और निफ्टी 180 पॉइंट की उछाल के साथ 16,520 पर बंद हुआ।